अस्सलाम वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज के साथ मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद नदीम चौधरी। माह रमजान का महीना जारी है और इसका दूसरा जो अशरा है वो भी जारी है। आज इस वक्त जिस नौजवान के साथ आपको मिलवाने जा रहा हूं, जो स्टोरी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, बड़ी सबक मौज है और खासकर हमारे उन नौजवानों के लिए, उन भाइयों के लिए जो तंदुरुस्त तवना होने के बावजूद, अल्लाह ताला की जो नियमतें हैं, हाथ पांव होने के बावजूद, मगर वो दूसरों की तरफ उनकी जो नजरें हैं वो जमाए बैठे होते हैं और खुद वो काम काज नहीं करते। इस वक्त हमारे साथ एक खूबसूरत नौजवान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उसके धनु हाथ जो है वो नहीं है। सबसे पहले तो अपना नाम बताएं, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद रमजान। रमजान, किस जगह, किस शहर से, किस इलाके से तलक है आपका? मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। गुजरात शहर से? किस जगह? डिंगा शहर। गुजरात डिंगा शहर मंडी बाब दीन। तो कितने अरसे से क्या ये बैग में आप बेच रहे हैं? ये कुरान पाक, सूरत यासीन, इस्लामी बुक्स है। तो ये बेच कर ही आप अपना जो आमदन है उसका जरिया बना रहे हैं? जी। तो ये आत आपके बचपन से ही इसी तरह नहीं थे या क्या कोई मसला हुआ इस वजह से ये नहीं है? नहीं, दस साल पहले बिजली का करंट लगा। अच्छा, धनबाद चले गए। तो ये बताएं कि आप कितने बहन भाई हैं? छह। तो आप सब भाइयों में आप सबसे बड़े? चार बहन भाई मुझसे छोटी है, एक बहन मुझसे बड़ी है। तो घर का जितना भी निजाम है वो आपके ऊपर है? जी। आपके वालिद साहब क्या करते हैं? पापा फोत हो गए। फोत हो गए जी। कितना अरसा हो गया है? पापा को 3 साल हो गए। 3 साल हो गए। तो ये बताएं कि इतने अच्छे से आप, आपके हाथ भी नहीं है और उसके बावजूद आप बैग आपने लगाया हुआ है, गुजरात से कोटली किन किन इलाकों में जाते हैं आप? मैं तकरीबन पूरे कश्मीर में जाता हूँ, ठीक है, बाग तक भी गया हूँ, जीरा जाता हूँ, फरवर कोटा जाता हूँ, तकरीबन सारी जगह जाता हूँ। तो जब लोगों के पास जाते हैं तो किस तरह का लोगों का आपके साथ रवैया होता है, सामान खरीदते हैं, किस तरह आपके साथ पेश आते हैं? बिल्कुल ठीक आते हैं, कुछ ले लेते हैं, सामान वगैरह भी ले लेते हैं, अगर किसी ने ना लेना हो वैसे मदद कर देते हैं। वैसे मदद कर देते हैं। तो क्या कहेंगे जो देखने वाले हैं कि जो हाथ होने के बावजूद वो मेहनत मशक्कत नहीं करते और दूसरों के ऊपर उनका अनसार होता है, उन लोगों के लिए क्या पैगाम देंगे? मैं उनके लिए क्या कह सकता हूँ, कुछ नहीं। अब आपको, आपके सामने पता है, उनको इतना होना चाहिए कि हाथ पांव होते भी वो मांग रहे होते हैं, कोई मजदूरी या कोई काम नहीं करते, ठीक है। मैं अपनी मेहनत करता हूँ, सबको पता है, आता रहता हूँ यहाँ पे। आप डायरेक्ट देखें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, लेकिन आपके पास जो सामान है, जो किताबें हैं, वो आप बेचते हैं, तो जो खरीदना चाहे वो खरीद कर आपको पैसे दे देता है। अगर कोई नहीं खरीदता तो उसके बावजूद बरक्स वो फिर आपके अपनी इस्ताद के मुताबिक वो हेल्प कर देता है। यहाँ पर ये एक शॉर्ट सी वीडियो बनाने का मकसद ये, नौजवान इसका तल्लक गुजरात से है और इसका कहना है कि पूरे आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जाकर ये जो इस्लामी किताबें हैं वो फरोख्त करता है और घर का जो निज़ाम है वो चलाता है। इसके वालिद साहब वो भी इस दुनिया में नहीं है और बहन भाइयों में सबसे ये बड़ा है और सब घर की जो जिम्मेदारी है इसी के कंधों पर है, लेकिन दोनों हाथ ना होने के बावजूद इसका हौसला और जज्बा देखिए कि किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता कि मेरी मदद की जाए, बल्कि ये जो बोझ है, ये जो बस्ता है, ये इसने उठाया हुआ है और इसमें इसने किताबें रखी हुई हैं और लोगों के पास जाता है और उनसे ये कहता है कि मेरे पास इस्लामी बुक्स हैं, अगर आप वो खरीदना चाहें तो। कुछ लोग जो खरीदना चाहते हैं, अगर उनको इस्लामी बुक्स की जरूरत हो तो वो ले लेते हैं, तो कुछ लोग वैसे ही मदद कर देते हैं, लेकिन इसका जो जज्बा है, इसकी जो हिम्मत है कि दूसरों के आगे हाथ नहीं फैलाना चाहिए बल्कि अपनी मेहनत मशक्कत करनी चाहिए, बिलखसूस जो दोस्त अहबाब जिनका इंसार ही दूसरों के ऊपर होता है और खुद काम नहीं करते, उनके लिए एक बेहतरीन मैसेज है। कम से कम जो अल्लाह ताला की नियमतें हैं, जो अल्लाह ताला ने आपको दी हुई हैं और आप बिल्कुल सलामत हैं, तो उनसे भरपूर फ़ायदा उठाना चाहिए, मेहनत मशक्कत करके अपनी जो ज़िंदगी है उसको बदलना चाहिए, ना कि दूसरों के ऊपर इंसार करना चाहिए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारे इस भाई की मदद फरमाए और इसी तरह सबका जो जज्बा और हौसला है वो इसी तरह सबके अंदर होना चाहिए।